दर्पण समाचार और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। नायब तहसीलदार व मील के अधिकारियों से वार्ता के बाद धरना हुआ समाप्त। मील दो दिनों के अंदर दो दो पर्चियां किसानों की करेगी जारी। रौजागांव चीनी मील पेराई सत्र में बंद होने के कगार पर है, लेकिन मील के आसपास के किसानों का गन्ना अभी भी खेतों में खड़ा है। गन्ना पर्ची जारी न होने से आक्रोशित किसान नेताओं ने रौजागांव चीनी मील पर कड़कड़ाती धूप में गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पटरंगा थाना प्रभारी ओम प्रकाश व हाईवे चौकी प्रभारी धर्मेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन बंद करने की अपील किया, लेकिन आक्रोशित किसानों ने एक ना सुनी। सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बलरामपुर चीनी मिल इकाई की यूनिट राजागांव मिल गेट के सामने भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष राम गणेश मौर्य व तहसील अध्यक्ष शंकर पांडे ने अपने सैकड़ों सदस्य के साथ पहुंचकर सरकार व मील प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। आरोप है कि मील बाहरी क्षेत्र का गन्ना खरीद रही है, जबकि अभी क्षेत्र के ही सैकड़ों किसानों का गन्ना खेत पर खड़ा हुआ है और मील 15 अप्रैल से बंद होने वाली है। किसानों की समस्या का कोई निदान बताने को तैयार नहीं है। जिला उपाध्यक्ष शंकरपाल पांडे ने बताया कि जब तक मील के अधिकारी आकर समस्या का समाधान नहीं बताएगा, तब तक हम लोग मील गेट पर बैठे रहेंगे। अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। आप लोगों ने मेरा सामान रखा, बात मान ली और जो समस्याएं इसमें लिखी गई क्या पर साहब एक रिक्वेस्ट है साहब, ये जितने लिखे गए हैं साहब ये कहे कि इन पर पर्ची साहब निकाल दी जाए। मैं ये बात कही आपसे, ये पर्ची निकाल रहा जल्द से जल्द करा दीजिएगा, समय के अंदर आप खंडित होना लिए जाएंगे। जो अधिकारी न्याय होगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जो अधिकारी न्याय होगा वही हमारा भाई होगा। जो अधिकारी गुंडा होगा उसके पीठ पे डंडा होगा। राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय किसान जय भारत। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।